गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को टेक्नोमेडिक क्लासेस के तरफ से वेलकम। आज मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिंपल मशीन का रिलेटेड है, सिंपल व्हील एंड एक्सेल, सिंपल व्हील एंड एक्सेल, जिसमें हमको डायमीटर फाइंड करना है। आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो आप वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और जितना हो सके लाइक करो, कमेंट करो। आइए हम क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। इन ए सिंपल व्हील एंड एक्सेल, डायमीटर ऑफ एक्सेल आपका 150 mm है। कितना mm है? 150 mm। कहता है इफ द लोड ऑफ 250 newton, लोड कितना है 250 newton, इज रेज्ड बाई एन एफर्ट ऑफ 10 newton, 10 newton के द्वारा, ये जो लोड है आपका, आपको 10 newton के द्वारा उठाया जा रहा है। एंड एफिशिएंसी है 80%। कितना एफिशिएंसी है? 80%। तो फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील। सिंपल व्हील एंड एक्सेल होता क्या है? सिंपल व्हील एंड एक्सेल जो होता है, जिसमें एक एक्सेल होता है और एक क्या होता है? व्हील होता है, जिसमें स्ट्रिंग जो है ऑनडेड होता है व्हील से, जो कनेक्टेड, जिसके द्वारा हम क्या लगाते हैं? एफर्ट लगाते हैं। और जो एक्सेल होता है उससे क्या होता है? लोड कनेक्टेड होता है जो ऊपर की ओर लपेटा जाता है, यानी इसमें लपटा जाता है, रेज करता है। यही सिंपल, अगर मान लेते हैं इसका डायमीटर D1 है, डी है, स्मॉल डी है, और इसका डायमीटर कैपिटल डी है। ये दोनों जो है क्या होता है? सेम शाफ्ट पर क्या होता है? कीड होता है। सेम शाफ्ट पर ये, इसको क्या बोलते हैं? बेरिंग बोलते हैं। इसको बेरिंग बोलते हैं। बेरिंग पर दोनों शाफ्ट जो है, एक ही शाफ्ट पर व्हील एंड एक्सेल क्या होता है? कीड होता है। अब कहता है कि क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डायमीटर ऑफ व्हील, डी हमको पता करना है। तो इसमें तीन चीज होता है, तीन चीज आपको, यानी पहला चीज है कि आपको मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है। मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है लोड बाई एफर्ट, क्या होता है जी? यानी डब्लू बाई पी। तो डब्लू हमारा दिया हुआ है, पी दिया, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? डब्लू आपका दिया हुआ है 250 newton और पी दिया हुआ है कितना? 10 newton। तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज यहां से निकल जाएगा, यानी मैकेनिकल एडवांटेज बराबर 250 बटा 10, यानी आपका 25, आपका 25 क्या आ गया? मैकेनिकल एडवांटेज। दिमाग में रखना है कि हमेशा दिस इज द फार्मूला, मैकेनिकल एडवांटेज डब्लू बाई पी, डब्लू इंडिकेट द लोड, पी इंडिकेट द एफर्ट। अब कहता है कि वेलोसिटी रेशियो हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वेलोसिटी रेशियो। वेलोसिटी रेशियो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट बटा डिस्टेंस मूव्ड बाय लोड, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट यानी पी बटा डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड, लोड यानी डब्लू। अब कहता है यहां पर देखो, इसमें आओ, कहता है जब इसको हम एफर्ट लगाएंगे, तो अगर ये व्हील जो है एक रिवोल्यूशन करता है, क्या करता है? एक रिवोल्यूशन, यानी डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट क्या होगा? पाई इंटू डी, या इधर कर सकते हैं डिस्टेंस मूव्ड बाई एफर्ट इक्वल टू पाई इंटू कैपिटल डी। एक चक्कर में कितना? पाई इंटू डी। अब कहता है एक्सेल के द्वारा, तो सेम शाफ्ट में है दोनों, क्या है? सेम शाफ्ट पे है, तो इसलिए एक रिवोल्यूशन ये भी करेगा, तो एक रिवोल्यूशन करता कितना डिस्टेंस ऊपर चढ़ेगा लोड के, तो ये लपेटेगा ना जी, ये खुलेगा, ये क्या करेगा? लपेटेगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है एक्सेल एंड व्हील पर अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्टेड होता है। कौन डायरेक्शन में?
अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से आप डिस्टेंस मूव्ड या डिस्टेंस कवर्ड कुछ भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड इक्वल टू पाई इंटू स्मॉल डी। अब यहां पर वेलोसिटी देखिए, डिस्टेंस मूव्ड बाई एफोर्ट तो कितना होता है हमारा पाई कैपिटल डी, और पाई डिस्टेंस मूव्ड बाई लोड पाई इंटू स्मॉल डी, ये आपका क्या हो गया वेलोसिटी रेशियो, पाई से पाई कैंसिल। अब हमको एफिशिएंसी का फार्मूला होता है, यहां पर देख लीजिएगा, इधर एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज बटा वेलोसिटी रेशियो। एफिशिएंसी क्या होता है, हमेशा परसेंटेज में होता है, क्या होता है परसेंटेज में। तो 80% दिया हुआ है तो इसको कितना परसेंटेज को, इसको तो कितना 80, तो यहां पर क्या लिखेंगे 0.8, यानी 0.8 बराबर मैकेनिकल एडवांटेज कितना आया है 25 आया है, उसके बाद वेलोसिटी रेशियो डी बटा डी, यानी डी ऊपर चला जाएगा, यानी 0.8 बराबर 25 गुना डी का वैल्यू कितना, डायमीटर कितना दिया हुआ है आपका 150 mm, तो यहां पर 150 बटा डी। अब डी को इधर ले आइए तो डी बराबर 25 गुना 150 बटा 0.8 कितना आया जी जल्दी, 87.5 mm। इतना 100% श्योर? यस सर। यही आपका डायमीटर आंसर, क्लियर? कहीं दिक्कत इसमें? अब चलिए, अब इसी को हम अगर हम डिफरेंशियल वी लाइन एक्सेल कर देते हैं, क्या कर देते हैं डिफरेंशियल वी लाइन एक्सेल, इस सब को साफ कर देते हैं,